Hello everyone, welcome to Adda 247. In today's session, we are going to discuss all the previous year IB ACIO grade 2 examination physics question. Which subject are we going to discuss? Definitely physics is the subject. I am going to cover all the questions those were asked in 2014, 2013 and 2012. Okay, now since only it is less than a week that is left for your examination, so let us directly come to the first question. So may we please have the first question on the screen. The first question here is, during an earthquake, two places A and B record its intensity in Richter scale as 4 and 6 respectively. Ek jagah pe 4 intensity pe earthquake aaya hai aur dusre jagah pe 6 intensity pe earthquake aaya hai. In absolute terms, the ratio of intensity of the earthquakes at A एंड एट बी इज. अब वैसे तो ये एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी बनता है, बट क्योंकि एनसीईआरटी ने इसे साइंस के चैप्टर में डायरेक्टली दिया हुआ है किसी एक एनसीईआरटी में, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, सो लेट अस डिस्कस इट इन दी साइंस सेक्शन. ओके, देखिए यहाँ पे जब 4 से अर्थक्वेक की इंटेंसिटी 5 हो जाती है, जब 4 से इंटेंसिटी 5 हो जाती है, तब जो शेकिंग होता है वो 10 गुना ज़्यादा होता है. ठीक है, उसी तरीके से जब 5 से 6 हो जाएगा, तब इंटेंसिटी के वजह से जो शेकिंग होता है वो फिर से 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है. सो इट इज़ 10 टाइम्स मोर. 4 टू 5 में कितना गया? 10 गुना. इट इज़ 10 टाइम्स मोर शेकिंग. 5 टू 6 में अगेन इट इज़ 10 टाइम्स मोर शेकिंग. तो टोटल अगर मैं कैलकुलेट करूँ 4 टू 6, तब कितना होगा? तब ये हो जाएगा 100 टाइम्स मोर शेकिंग. तो यहाँ पे जो आपको चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, वहाँ से आपका मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1:100 विल बी योर करेक्ट आंसर. हावेवर जब यही क्वेश्चन एनसीईआरटी में एज एन एग्जाम्पल दिया हुआ था, तो ये मेंशन था दैट इफ मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस फ्रॉम 4 टू 6, देन इट इज अ मोर इंटेंस, इट इज 1000 टाइम्स मोर इंटेंस. लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 1:1000 कहीं दिया नहीं है, या फिर एक्सप्लेनेशन के हिसाब से भी हमारा जो मोस्ट करेक्ट आंसर आया है, दैट इज 1:100. सो इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ओके, क्लियर है? सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जल्दी से देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. एल्बर्ट आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर पीस इन द ईयर 1921. उन्होंने हाउएवर ये 1922 को लिया था, बट दिस इज द क्वेश्चन फॉर हिज वर्क ऑन. देखिए अब इस तरीके के क्वेश्चन में आप ये ध्यान दीजिए कि टॉपिक कौन सा है. यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि नोबेल प्राइज किसे मिला, ये पूछा गया है कि कौन से वर्क के वजह से नोबेल प्राइज मिला. फर्स्ट अंडरस्टैंड कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है आपसे, ताकि आप फ्यूचर में उस हिसाब से एनालाइज करके अपना प्रिपरेशन कर सके. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज आप लोगों में अब ये हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी, या फिर आपको जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, बी को तो आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो. हाइड्रोजन एटम विल नॉट बी द आंसर, राइट? आपने लेकिन E=mc² काफ़ी ज़्यादा आइंस्टाइन के नाम के साथ सुना होगा. हाउएवर अगर आपने यहाँ पे इस हिसाब से तुक्का लगाया, तो आपका आंसर आईवी में गलत हो जाएगा, बिकॉज ए इज नॉट दी करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है? अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट, अकॉर्डिंग टू नोबेल प्राइज वेबसाइट, यहाँ पे जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके गाइस, नाउ इफ आई हैव टू टेल यू इन सिंपल वर्ड्स व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो मान लीजिए एक पीस ऑफ मेटल है, ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, विच विल ऑब्वियसली बी अटैच टू द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज देयर. लेकिन यहाँ पे इस हिसाब से लाइट गिर गया. ओके, लेट मी कंसिडर इट एज फोटोन. सिंपल लेमन लैंग्वेज में मैंने ये बोल दिया कि लाइट गिर गया. नाउ बिकॉज ऑफ दिस लाइट एंड दिस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव होने लगा. द इलेक्ट्रॉन स्टार्टेड पासिंग फ्रॉम हियर. वो अपना रास्ता बनाने लगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगा. एंड वी नो दैट बिकॉज ऑफ दिस फ्लो जो इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? इट इज 1/2 mv². ओके, सो दैट इज द कंसेप्ट. हाउएवर टॉपिक क्या है? नोबेल प्राइज आइंस्टाइन को मिला, ये पूछा गया है कि कौन से फील्ड से मिला. अगेन आई हैव शॉर्टलिस्टेड द क्वेश्चन, पहले 2015 के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं.
फिर 2013 एंड देन 2012. सो दिस वॉज वन ऑफ द क्वेश्चन. विद दिस लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, सर सी वी रमन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर पीस. अगेन बोल दिया गया है पहले से कि हाँ सी वी रमन को मिला है नोबेल प्राइज फिजिक्स के लिए, बट आगे क्या पूछा है, इन द ईयर 1930, देखिए ईयर भी बता दिया, फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ. प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये पूछा था कि कौन से फील्ड में काम के वजह से मिला है, और इस क्वेश्चन में भी ये पूछा है कि कौन से फील्ड में काम के वजह से मिला है. ठीक है, तो सी वी रमन को, सर सी वी रमन गॉट द नोबेल प्राइज फॉर वर्क इन विच फील्ड. यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इस वर्क के वजह से उनको नोबेल प्राइज मिला. फाइन, अब इफ यू टॉक, इफ यू गो इन टू डिटेल ऑफ द स्टडी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो आपको यहाँ से टिंडल इफेक्ट भी आप रिलेट कर सकते हैं. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस, दिस इज अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. जहाँ भी एक्सप्लेनेशन का जरूरत होगा वहाँ वी विल गो इन टू एक्सप्लेनेशन. लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑल्टरनेटिंग करंट और इन एसी करंट द डिरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट वेरीज. किस हिसाब से आपका डिरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड वेरी करता है. इफ़ आई मेक दिस डायग्राम, यू नो दैट दिस इज फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट डायग्राम, तो आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है अगर डायरेक्ट करंट होता इस हिसाब से, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, इसीलिए डिरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ वेरीज पीरियडिकली. ओके, बोथ वेरीज पीरियडिकली एक साइकिल में. सो आई एल नॉट गोइंग टू डिटेल्स अगेन. सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का, मे वी कम बैक टू द क्वेश्चन अगेन. यहाँ पे ये पीरियडिकली वेरी करता है, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. विद दिस लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द क्लास ऑफ एलिमेंटरी पार्टिकल्स बोसोन्स वॉज नेम्ड आफ्टर सत्येंद्र नाथ बोस. ये आपको बता दिया गया है, एन इंडियन फिजिस्ट. ओके, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन साइंटिस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता एज अ क्लासमेट ऑफ सत्येंद्र नाथ बोस. अब इनका क्लासमेट कौन था ये आपको बताना है. अब इस तरीके के फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, वैसे तो फिजिक्स क्वेश्चन है, बट आपको अगर आंसर आता है देन यू कैन आंसर, एल्स यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन बट टू स्किप इट. अब इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप चारों ऑप्शन को कंसिडर कीजिए. ओके, ए बी सी डी, इसमें से जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज महालनोबिस, यू नो वी नो दैट ही वॉज अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट प्लानिंग कमीशन, राइट. तो उस हिसाब से आप उनके नाम को एलिमिनेट कर सकते हैं. आप इकोनॉमिक्स के बारे में सोच लीजिए या फिर उस हिसाब से आप उस नाम को एलिमिनेट कर सकते हैं. जो ऑप्शन नंबर सी है प्रफुल्ल चंद्र रे, दैट नेम इज एसोसिएटेड विथ केमिस्ट्री, सो यू कैन अगेन एलिमिनेट दैट. ठीक है, आप एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि उनके क्लासमेट रहे हैं. सो अमोंग ऑप्शन नंबर ए एंड डी यू कैन नॉट एलिमिनेट अंटिल एंड अनलेस यू डू नॉट नो द एग्जैक्ट आंसर. सो लेट मी टेल यू द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मेघनाथ साहा. तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी है. सो दिस इज अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन अगेन, नो फर्दर एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट शुड बी द एंगल फॉर थ्रो ऑफ एनी प्रोजेक्टाइल टू अचीव मैक्सिमम वर्टिकल रेंज. लेट मी टेल यू इन दिस क्वेश्चन व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट शुड बी द एंगल फॉर थ्रो, आप किस हिसाब से इसको थ्रो करेंगे, फॉर अ प्रोजेक्टाइल टू अचीव मैक्सिमम वर्टिकल रेंज पूछा है. हॉराइजेंटल नहीं पूछा है, मैक्सिमम वर्टिकल रेंज. फाइन, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर आप किसी भी चीज को थ्रो करेंगे, अगर आप इसे प्रोजेक्टाइल मोशन में थ्रो करेंगे, दिस इज हाउ यू विल थ्रो इट. ये डायग्राम तो आप लोगों को पता है ऑलरेडी, दिस इज हाउ यू विल थ्रो इट. नाउ इन दिस केस मैक्सिमम हाइट कहाँ अटेन हो रहा है, दिस इज द रीजन, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट अटेन हो रहा है. ठीक है, यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट इट विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द फॉर्मूलाज, जहाँ पे ये आपका डी थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन हो जाएगा एंड यहाँ पे थीटा हो जाएगा. हाउएवर आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट डिटेल, आई एम जस्ट टेलिंग यू इन सिंपल वर्ड्स, ये डिरेक्शन प्रोजेक्टाइल मोशन का है, ये ग्राफ ये आपको पता है, राइट. अब इसमें ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, इफ़ यू हैव टू नो द वर्टिकल मैक्सिमम कब होगा एंड हॉराइजेंटल मैक्सिमम कब होगा, तो
इन दिस केस इफ वी कम बैक टू द क्वेश्चन अगेन, वहां पे आपको बाकी ऑप्शंस तो कंसिडर ही नहीं करना है. अगर हम क्वेश्चन में वापस आए तो जो ऑप्शन नंबर ए है 45 डिग्री और जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज 90 डिग्री, इन दोनों में से एक आपका आंसर होगा. अब मैक्सिमम वर्टिकल रेंज, क्योंकि हॉराइजेंटल अगर पूछा जाता, अगर हॉराइजेंटल पूछा जाता तो फिर आपका आंसर हो जाता 45 डिग्रीज. लेकिन हमें पता है कि रॉकेट लॉन्च के टाइम पे जब हमको मैक्सिमम डिस्टेंस या फिर मैक्सिमम हाइट अचीव करना होता है, मैक्सिमम वर्टिकल रेंज अचीव करना होता है, तब हम उसको सैटेलाइट के केस में भी 90 डिग्री में हम उसको लॉन्च करते हैं. तो यहाँ पे भी वर्टिकल रेंज के बारे में पूछा गया है. तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 90 डिग्री. याद रखिए, अगर हॉराइजेंटल पूछा गया होता तो 45 डिग्री होता आंसर, और क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल पूछा गया है तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी 90 डिग्री. अगर आपको लगता है कि इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है, देन प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन विथ योर एक्सप्लेनेशन. फाइन, विद दिस लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, वॉट इज द अप्रॉक्सीमेट टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में पूछा है ऑफ अ स्काई डाइवर फॉलिंग फ्रीली विथ पैराशूट अनओपन. देखिए, फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? स्काई डाइवर मतलब आपको आसमान में एयरक्राफ्ट से बहुत एक ऊपर तक लेके जाया जाएगा और वहां से आपने कूदना है. ठीक है, आफ्टर सम टाइम यू कैन ओपन योर पैराशूट एंड देन यू कैन लैंड सेफली. बट जो कूदने के बाद और पैराशूट को ओपन करने के बीच का जो टाइम होता है, दैट टाइम रेंज, इन दैट पीरियड द बॉडी इज कंसिडर्ड टू बी फ्री फॉलिंग. ठीक है, अब उसमें अलग अलग टाइप के, आपको अगर आपको अलग अलग वेलोसिटी अटेन करना है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या उसमें आपका स्पीड कॉन्स्टेंट रहता है कि आप एक्सीलरेट करते हो? दूसरा चीज, If you want to gain the maximum velocity, तो आपको सिर के बूते वहाँ पे, you have to start your diving with your head down. Head down motion में आपको कूदना पड़ेगा. If you have ever tried skydiving or something like that, तो इस केस में, free fall के केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वैसे तो average 120 के आसपास रहता है और जो maximum attain किया जा सकता है, that is approximately 300 plus you can attain. ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू माइल्स पर आवर. लेकिन यहाँ पे पूछा गया है विथ रिस्पेक्ट टू किलोमीटर पर आवर. सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इट विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 240 किलोमीटर पर आवर. दैट इज द मैक्सिमम टर्मिनल वेलोसिटी दैट अ स्काई डाइवर इन फ्री फॉल विल अटेन. ओके, डू चेक अबाउट डिटेल्स इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर स्काई डाइविंग इन लिटरल सेंस. विद दिस लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच पॉइंट ऑफ द अर्थ देर इज नो ग्रेविटी. ठीक है, वी नो दैट ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो बॉडीज के बीच में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, यही ग्रेविटेशन जब अर्थ का होता है, व्हेन अर्थ इज पुलिंग समथिंग एल्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर, देन दैट इज नोन एज ग्रेविटी. अर्थ ग्रेविटेशन इज नोन एज ग्रेविटी. अब वो ग्रेविटी हर एक पॉइंट पे वेरी करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इक्वेटर के हो, अर्थ के सरफेस पे एकदम बीचों बीच इक्वेटर पे हो, 0 डिग्री पे हो, इन दैट केस ग्रेविटी विल बी मिनिमम. मार्क माई वर्ड्स, आई डिड नॉट से इट विल बी जीरो, आई सेड इट इज मिनिमम. ठीक है, जीरो कहीं होता नहीं, एब्सोल्युटली नो ग्रेविटी ऐसा होता नहीं, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में समथिंग इज पुलिंग समथिंग एल्स, राइट? समथिंग इज अट्रैक्टिंग समथिंग एल्स. सो यहाँ पे मिनिमम होगा. पोल्स पे क्या होगा? पोल्स पे मैक्सिमम होगा. ठीक है, और नो ग्रेविटी कंडीशन कहाँ पे होगा? नो ग्रेविटी कंडीशन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एट सेंटर ऑफ द अर्थ. सो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है, विद दिस लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, क्योंकि इतने ही क्वेश्चन आए थे फिजिक्स सेक्शन में लास्ट थ्री ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को कंपाइल करने के बाद. ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है अ थियोडोलाइट इज यूज फॉर मेजरिंग. जैसे कि आप लोगों को पूछा जा सकता है एमीटर किस चीज़ को मेजर करता है, बैरोमीटर किस चीज़ को मेजर करता है, उसी तरीके से थियोडोलाइट इज यूज फॉर मेजरिंग. यू हैव टू गिव द करेक्ट आंसर. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका ये एक यंत्र होता है जिससे हम क्या मेजर कर सकते हैं, वी कैन मेजर एंगल्स इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन्स. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर हियर. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू विथ ऑल दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हियर इज दैट जो चीज़ें आपको आती है फिजिक्स सेक्शन में से, फॉर एग्जांपल ग्रेविटी कब बढ़ता है कब घटता है, एंड नोबेल प्राइजेस में से जो दो क्वेश्चन हमने देखे, डायरेक्ट क्वेश्चन कौन से फील्ड में दिया गया है, सो प्लीज रिवाइज दोज थिंग्स वंस बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर आई बी ए सी आई 2017 एग्जामिनेशन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.